दोस्तों, जो पंजाबी सिनेमा के बारे में जानते हैं, उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि अब तक की सबसे बड़ी पंजाबी हिट है जट एंड जूलियट। और जो नहीं जानते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जट एंड जूलियट की रिकॉर्ड हाल ही में रिलीज हुई जट एंड जूलियट पार्ट टू कर रही है, उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है। जी हां, जट एंड जूलियट टू, विच वॉज रिलीज ऑन फ्राइडे 28 जून, इज ऑल सेट टू बिकम द बिगेस्ट हिट ऑफ पंजाबी सिनेमा एवर। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं इसी फिल्म के हीरो दिलजीत दोसांझ एंड डायरेक्टर अनुराग सिंह। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड थैंक यू बिजनेस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जिनके नाम में ही दिल जीतना लिखा हो वो तो दिल जीतेंगे ही। शुक्र है परमात्मा का जी। तो आपके मम्मी डैडी ने ये सोचकर ही आपका नाम रखा, या ये नाम था इसलिए आपने सोचा कि अब मैं एक्टिंग में उतर आऊं? नहीं, एक्टिंग का तो, क्योंकि मैं सिंगर हूं बेसिकली, हाँ तो हाँ एक्टिंग सिंगर का तो है। बिल्कुल सोचा नहीं था। अच्छा, तो ये तो एक्टिंग अब जस्ट हैपेंड बाय चांस? हाँ, हैपन्ड बाय चांस। अच्छा, हाँ तो सिंगिंग का शौक था और सिंगिंग में आप उतरे, हाँ बिल्कुल। फिर एक्टिंग में कैसे आए? सिंगर बनने का मुझे शौक था, तो मैं सिंगर हूँ पंजाब में अभी भी। बहुत नामी सिंगर हाँ है। ठीक है, गाना अच्छा है। तो सिंगिंग का नहीं, एक्टिंग का नहीं था बिल्कुल भी, ये तो अपने आप ही हो गया, पता नहीं चला। बस कैसे फर्स्ट फिल्म कैसे मिली आपको? गुड्डू धनोआ डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने मेरा गाना देखा था, हाँ हाँ तो वो बोले कि तू एक्टिंग करेगा, तो मैं कहा जी हाँ कर लूंगा, तो वैसे ही बस शुरू हो गया काम। और वो कौन सी फिल्म थी? द लाइन ऑफ पंजाब द लायन ऑफ पंजाब। जी सर। ओके, और उसके बाद कितनी फिल्मों में आपने काम किया है? उसके बाद ये जट एंड जूलियट टू पांचवी फिल्म थी सर। जट एंड जूलियट टू इज टू योर फिफ्थ फिल्म, हाँ जी, हाँ जी जिसमें से जट एंड जूलियट के डायरेक्टर भी अनुराग सिंह हैं और जट एंड जूलियट टू के भी हाँ जी अनुराग। तो मतलब आपके करियर की दो सबसे बड़ी हिट्स उनके मेकर ये हैं। हाँ। अनुराग पा जी ने जट एंड जूलियट वन की थी और जट एंड जूलियट टू। हाँ जी, तो अनुराग जी, मुझे ये बताइए, ये सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? वेल, सीक्रेट फॉर्मूला क्या है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई ये कहता है, डायरेक्टर या कोई भी मेकर ये कहता है कि आई नो द फॉर्मूला, आई मुझे कोड मालूम है हाउ टू क्रैक द बॉक्स ऑफिस, तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि तो कोई भी फ्लॉप नहीं बनाए। बट आई गेस इट्स जस्ट हार्ड वर्क, दैट्स द ओनली थिंग आई नो, कि मेहनत कर लो। और वेन एवर वी डू अ फिल्म, हमारा ये रहता है पूरी टीम का, इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, हमारी पूरी टीम का ये रहता है कि जो चीज़ बनाने में हमें मजा आ रहा है हम वही करते हैं, एंड वी जस्ट होप कि ऑडियंस को भी उतना ही मजा आ जाए। एंड लकीली अभी तक ऐसा होता रहा है कि हम जो जो कर रहे हैं, हमें करने में जितना मजा आता है, ऑडियंस को देखने में भी उतना ही मजा आ रहा है। तो पंजाबी ऑडियंस, पंजाबी सिनेमा की जो ऑडियंस है, उनकी कोई टिपिकलिटीज होती है कि ये चाहिए ही चाहिए उन्हें फिल्म में, या कुछ भी चल सकता है? नहीं सी, मेरा मानना एज अ मेकर, एक क्रिएटिव ईगो होती है आपकी, कि आप ये सोच के चलते हो कि मैं जो भी करना चाहता हूं या जो भी बनाना चाहता हूं, अगर वो अच्छा बन जाएगा तो ऑडियंस पसंद करेगी करेगी। करेक्ट। सो एज अ मेकर आई डोंट ट्राई टू लिमिट माई सेल्फ कि मुझे इसी तरह के सब्जेक्ट ही करने चाहिए क्योंकि यही ऑडियंस को पसंद आता है। तो एक क्रिएटिव ईगो होती है हर आदमी में, कोई भी क्रिएटिव इंसान होता है, जितने भी मेकर्स हैं, सही कि बात मैं है, जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, ऑडियंस पसंद कर लेगी, करेक्ट। तो वो ईगो तो है। बट यहाँ हाँ, अगर ट्रेंड्स की बात करें या रीसेंट ट्रेंड्स जो पंजाबी मार्केट के हैं, पंजाबी ऑडियंस थोड़ी कॉमेडी की तरफ ज्यादा लीन करती है। कॉमेडीज जो हैं उनको थोड़ी एक्सेप्टेंस ज्यादा इजीली मिल जाती है। अभी तक कोई जो कह लो कि जो नया ट्रेंड सेट करने वाली कोई ऐसी फिल्म अभी तक आई नहीं है कि जो कॉमेडी से हटके हो और सब्जेक्ट अलग तरह का हो और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर ले, अभी तक ऐसी कोई फिल्म आई नहीं है। अच्छा, बाकी लेट्स होप कि अभी फॉर द ग्रोथ ऑफ सिनेमा की ऐसा कोई ऐसी कोई फिल्म भी आ जाए जो कॉमेडी ना हो और फिर भी ऑडियंस को फिर भी पसंद आ ऑडियंस जाए, को पसंद आ जाए। बिकॉज एज मेकर्स हमको भी ये हमारी भी ये इच्छा है कि हम भी टेस्ट करके देखें कि यार ऑडियंस कितनी इंटेलिजेंट है हमारी, कि कुछ अलग तरह की चीज आए तो वो भी पसंद करेगी कि नहीं करेगी। तो ये जट एंड जूलियट टू का आपने पहले ही सोचा था, या जट एंड जूलियट के चलने के बाद आपने सोचा कि इसका सीक्वल बन सकता है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जट एंड जूलियट वन के चलने के बाद ही सोचा गया था, अच्छा। क्योंकि जट एंड जूलियट वन जब चली तो हमको मालूम नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और उसकी जो उसका जो सक्सेस था, विच सेट न्यू ट्रेंड्स, की मार्केट की इतनी रीच है, पंजाबी फिल्मों की भी इतनी रीच हो सकती है, इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, तो हमको लगा कि यार ये तो एक ट्रेंड सेट हो गया, बट अभी आगे क्या करेंगे, हाउ डू वी टॉप दिस। जब हमने ये सोचा कि चलो एक जट एंड जूलियट टू बनाते हैं, तो वो डर हट के उसकी जगह ये डर आ गया कि सीक्वल्स नॉर्मली वर्क नहीं करती। जो हमारी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स होते हैं, देयर इज हार्डली, बहुत कम ऐसी सीक्वल्स होंगी कि जो वर्क की हो या बहुत ज्यादा पंजाबी सक्सेसफुल हो सिनेमा में। पंजाबी सिनेमा में, इवन इन हिंदी सिनेमा, बहुत ज्यादा सीक्वल्स कोई ज्यादा मेरे ख्याल से वर्क की नहीं है कभी।
तो वो रिस्क भी था, बट वो रिस्क फैक्टर जो था उसी की वजह से वो मजा भी था कि यार चलो ये करके देखते हैं. सो दिस माइट बी अ न्यू ट्रेंड कि सीक्वल्स बना के देख लो और सीक्वल चल जाए तो. दिलजीत जी, आपसे पहले पंजाबी सिनेमा में सिंगर्स एक्टर्स रहे हैं, सिंगर एक्टर्स सॉर्ट ऑफ, यू नो गुरदास मान बहुत अच्छा करियर था उनका. तो ये टिपिकैलिटी है पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की, पंजाबी सिनेमा गोइंग ऑडियंस की, कि वो सिंगर एक्टर्स को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने इधर नहीं लगता क्योंकि जब मैं पंजाबी शुरू हो गया. नहीं चलेगा. सॉरी, आपको लगा होगा आप डायलॉग बोल रहे हैं फिल्म के. हिंदी ज्यादा हो गई थी ना, मैं थोड़ा कमजोर हूँ सर, सॉरी. मैं कमजोर हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता. पाजी ने फिल्म बनाई थी यारन मुल्ले, उसमें नए लड़के थे. हाँ, और वो बहुत अच्छी रही थी फिल्म. अच्छी हो तो फिर मतलब, तो ऐसा भी नहीं है कि सिंगर एक्टर नहीं बन सकते, ये भी गलत है ना. गुरदास मान साहब कितने अच्छे सिंगर और कितने अच्छे एक्टर है, है ना. तो हम तो उनसे सीखते हैं बिल्कुल. वो एक जनरल ट्रेंड है बिकॉज थोड़े सिंगर्स जो हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ऑडियंस की आइडेंटिफिकेशन है, उनकी फेस वैल्यू है. सो मे बी उसकी वजह से मोस्टली प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर्स को लगता है कि इनको ले लें तो एक सर्टन तरह की ऑडियंस या एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो है वो गारंटीड है. जो इनके फैंस है वो तो आएंगे फिल्म देखने के. एंड जट एंड जूलियट 2 में आपके सारे गाने आपके हैं? नहीं, 3-4 सॉन्ग मैंने गाए. एक सुखविंदर पाजी ने गाया, कमाल खान ने, और एक नया लड़का है अंबर और प्रियंका. अच्छा. उन्होंने पहले कभी नहीं गाया किसी एल्बम में, नहीं कोई सिंगल नहीं. अच्छा. तो पहली बार उन्होंने इसमें फिल्म में गाया. दिलजीत जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस शो पर हो, सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ शो पर हो और हमें गाकर नहीं सुनाए, तो गाना तो पड़ेगा. मैं सर गा देता हूँ, गाना पंजाबी में होगा सर. बिल्कुल पंजाबी में ही. हो सिर ते पगड़ी टोर है तगड़ी, पूरी आकड़ बड़े तमाकड़, हो मार मार के बड़का पंजाबी, किंग अज जचणगे, खाली कर दियो वेड़ा मिस्टर सिंह अज नचणगे, खाली कर दियो वेड़ा मिस्टर सिंह अज नचणगे. अनुराग जी, मुझे ये बताइए, जब आप पंजाबी सिनेमा बनाते हैं, पंजाबी फिल्में बनाते हैं, जरूरी है कि पंजाबी फ्लेवर होना चाहिए उस फिल्म में, कि मॉडर्न डे जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, एब्सोल्यूटली हिंदी फिल्म की तरह बनाए तो भी चल जाती है? जो ज्यादा ड्रेस में इतना नहीं है जो फ्लेवर रखते हैं, बट जो कैरेक्टर्स हैं या उनकी जो जुबान है उसमें पंजाबी फ्लेवर ज्यादा है. कि कुछ पर्टिकुलर टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको शायद पंजाब में ही मिलेंगे या पंजाब के गाँव में ही मिलेंगे, वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. तो उस चीज का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जिस तरह के लव्स यूज किए जाते हैं डायलॉग्स में, जिस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं, वो बहुत टिपिकली पंजाबी होते हैं. और बहुत से वर्ड्स ऐसे, हमारी दोनों फिल्मों में ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत सारे पंजाबी जो शहरों में रहते हैं या वहीं उनका बर्थ हुआ है, वहीं बड़े हुए हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि ऐसे वर्ड्स भी होते हैं पंजाबी लैंग्वेज. ओह रियली? या अच्छा, तो दिस इज एन एडेड एडवांटेज फॉर अस इट इज, क्योंकि हम अगर ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो लोगों में जब फिल्म चलती है तो वो पॉपुलर हो जाते हैं. करेक्ट. और लोग हमारी फिल्म के साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये वर्ड इस फिल्म में से मिला था हमको. और इस फिल्म में जट एंड जूलियट 2 में क्या टिपिकल वर्ड्स हैं? इसमें है जैसे एक वर्ड हमने यूज किया हड़बा, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ मोटिव यूज हुआ है पूरी फिल्म में. और राइट टिल द एंड ये कैरेक्टर, इनका जो कैरेक्टर है वो हड़मा लव्ज यूज करता रहता है कि मैं तेरी हड़मा पे हड़बा ते मारूंगा. अच्छा. तो वो जब भी कोई कैरेक्टर आगे से पूछता है कि हड़बा का ये हड़बा क्या होती है, तो ये आगे से बोलता है तू पूछ के अंब लेने कि तुझे क्या लेना देना इससे. सो इट इज ओनली इन द एंड वी नो दैट इस कैरेक्टर को भी मालूम नहीं है कि उसका मतलब क्या है. सो दैट्स अ रनिंग गैग इन द फिल्म की वो थ्रू आउट रहता है. सो इस तरह के टिपिकल वर्ड्स वी ट्राई एंड यूज की कोशिश करते हैं कि इस तरह के कुछ चीजें यूज कर ले. दिलजीत जी, इन्होंने बताया, अनुराग जी ने बताया कि ज्यादातर जो पंजाबी फिल्में चलती हैं कॉमेडी की तरफ झुकाव है, तो आर यू वेरी इजी विथ कॉमेडी या आप रियल लाइफ में लाइट मोमेंट्स में बिलीव नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा जोक्स नहीं क्रैक करते हैं? किस किस्म के इंसान हैं आप रियल लाइफ में? मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब तुमने अच्छी एक्टिंग की. हाँ. तो मुझे पता नहीं वो किस चीज को बोलते हैं, क्योंकि मैं तो जैसा हूँ वैसे ही फिल्म में हूँ, क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ नहीं. हाँ. तो मैं सिंगर हूँ ना, तो मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही फिल्म में हूँ. तो लोग बोलते हैं कि तुमने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन मुझे पता नहीं वो किस चीज को बोलते हैं. कई बार बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सीन में 4-5 शेड्स थे. तो मुझे तो एक ही शेड, 4-5 शेड क्या है वो मुझे नहीं पता है, और ना ही मैं एक्टर हूँ. तो वो मैं जैसे आप अभी भी समझते हैं, 2 ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद भी आप समझते हैं कि आप एक्टर नहीं है? नहीं, वो सच है भाई. वो मैं तो लाइफ में जैसे हूँ, पाजी को पता मैं ऐसे हूँ ना.
हाँ बट आई नो पर्सनली कि ही इज लाइक दैट इन रियल लाइफ. और ये जो आप बोल रहे हैं कि फनी ह्यूमर, ही इज टू फनी, मतलब आप यू सिट विद हिम एंड देयर इज नॉट अ सिंगल बोरिंग मोमेंट. ओह दैट्स वेरी नाइस दिलजीत जी. आपने कभी हिंदी फिल्म में क्रॉसओवर करने का नहीं सोचा? बिकॉज हर एक्टर का फाइनल एम यही रहता है क्रॉसओवर. भाई हिंदी में आ जाऊं, हिंदी में आ जाऊं. हाँ नहीं पाजी बनाएंगे तो आ जाऊंगा. अच्छा पाजी बनाएंगे तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. भाई मैं वैसे हम जानते नहीं है किसी को, तो पाजी को तो मैं जानता हूँ. बट लोग आपको जानते हैं ना आपकी फिल्मों द्वारा. हाँ पाजी, पाजी ने बनानी हिंदी फिल्म कोई. अच्छा यू आर प्लानिंग टू मेक हिंदी? या आई एम सपोज टू स्टार्ट वन नेक्स्ट ईयर, बट उसका अनाउंसमेंट अभी होगा विद अ रिप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस. और अब इस इंटरव्यू द्वारा इन्होंने आपको हिंट दे दिया है कि आप नहीं, ये हिंट जो है ये पहले भी हमारी कई बार बात हो चुकी है. तो नहीं डेफिनेटली मैं तो इनको बोलता हूँ कि इनफैक्ट ये बात हम पिछली फिल्म से कर रहे हैं कि सिंस ही हैज द टैलेंट सो व्हाई नॉट. किस किस्म का बिजनेस होता है आजकल पंजाबी फिल्मों का? लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर. पहले तो ये बताइए एक अच्छी पंजाबी फिल्म जैसे आप बनाते हैं कितना कॉस्ट लगता है एक अच्छी पंजाबी फिल्म बनाने के लिए, इंक्लूडिंग द कास्ट क्रू मेकिंग शूटिंग, और उसके बाद कितना खर्च करना पड़ता है प्रमोशन पर? सी थिंग्स आर चेंजिंग. जैसे पिछली पार्ट वन जो था उसकी फर्स्ट कॉपी जो थी फिल्म की दैट वॉज अराउंड 3 crore. ओके. एंड प्रमोशन जो था ऊपर प्रमोशन पब्लिसिटी वगैरह जो अराउंड 75 lakhs. अच्छा, तो 3 crore 75 lakh. हाँ जी. तो okay. इस बार क्या है कि बजट बढ़ा है. इस बार आई थिंक वी हैव टच्ड 5.5 फॉर द फिल्म, प्लस पब्लिसिटी में इस बार थोड़ा ज्यादा लगा. आई थिंक इट्स मोर देन वन जो पब्लिसिटी में लगा. तो मतलब 6.5-7 crore तक. आई थिंक वी कुड अफोर्ड दैट बिकॉज हमारे पास ब्रांड था कि जट एंड जूलियट बिकेम अ ब्रांड, सो वी कुड अफोर्ड दैट. बिल्कुल. बट आई डोंट नो इफ जो बाकी मेकर्स हैं या जो दूसरी फिल्में बनती हैं वो शायद इतना बजट नहीं अफोर्ड कर पाते, बिकॉज हमारी फिल्में जो दोनों फिल्मों ने जो बिजनेस किया है दैट इज नॉट द जनरल रूल करेक्ट सो फार इन पंजाबी इंडस्ट्री. आई होप इट बिकम्स करेक्ट. आई होप कि ऐसा हो कि नॉर्मली जो ये बिजनेस है वो फिल्मों का नॉर्मल बिजनेस हो जाए. आई होप दैट हैपन्स, बट फिलहाल ऐसा नहीं है. तो जब तक वो नहीं होता तब तक ये बजट्स उस तरह के मिलेंगे नहीं. कोई प्रोड्यूसर रेडी नहीं होगा इतना पैसा स्पेंड करने. दिलजीत जी यहाँ पर हिंदी सिनेमा में बड़े स्टार्स जो हैं, जो फिल्म का बजट होता है 35-40-45% तक वो घर लेकर जाते हैं, यानी उनकी फी ही फिल्म के बजट का 35-40-45% होता है. आपके पंजाबी सिनेमा में भी हीरो इतना पैसा घर लेके जाता है? सर पहली फिल्म के बाद मेरे इनकम टैक्स की रेड हो गई थी. तो आप मेरी रेड क्यों कर रहे हैं? तो ठीक ही है सर. अनुराग जी आप थोड़ी रोशनी डालिए, स्टारकास्ट कितना पैसा लेके जाती है टोटल बजट में से? सी स्टारकास्ट ऑफ कोर्स हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड स्टारकास्ट, बिकॉज स्टार्स आर द फेस ऑफ द फिल्म. तो काफी मेजर अमाउंट जो फिल्म के बजट का है वो स्टार कास्ट के पास जाता है. डेफिनेटली दैट इज ऑलवेज बीन द केस इन एवरी इंडस्ट्री. एंड आई नॉर्मली टेल हिम कि द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू लीड आई कैन नेवर डू. मैं नहीं कर सकता, इट्स बियॉन्ड माय कैपेबिलिटीज. अच्छा दिलजीत जी रोशनी डालिए थोड़ी, किस किस्म की लाइफ आप लीड करते हैं? पाजी ने पता नहीं किस किस्म की लाइफ देगी. नहीं इज कॉन्स्टेंटली ऑन द रोड, कॉन्स्टेंटली ट्रेवलिंग एंड हैंडलिंग सो मच पब्लिक अटेंशन, सो मच मीडिया फोकस ऑन हिम, एंड जस्ट टू हैंडल दैट एंड बी ऑन द रोड कॉन्स्टेंटली. आई थिंक ये साल में से 365 days आई थिंक हार्डली 10 or 15 days आई थिंक ही स्पेंड्स एट होम. अदरवाइज ही इज जस्ट ट्रेवलिंग ऑल अराउंड. शोज वगैरह? शोज होते हैं और फिल्में हो गई, फिर ओवरसीज भी शोज बाहर भी होते हैं. अभी वर्ल्ड टूर था, मैं 3-4 महीने के लिए बाहर था तो फिल्म भी आनी थी. हाँ 10-15 दिन ही मैं घर जा पाता हूँ. तो फिर क्यों कंप्लेन करते कि मेरे यहाँ लास्ट ईयर रेड पड़ी थी? पड़ेगी ना रेड. आखिरी सवाल अनुराग जी, दिल्ली में रिलीज होती है, पंजाब के अलावा दिल्ली में रिलीज होती है, ओवरसीज में रिलीज होती है, मुंबई जैसे शहर में जहां पर बहुत सारे पंजाबीज रहते हैं एंड उनकी इच्छा होती है पंजाबी फिल्म्स देखने की, तो बॉम्बे में मुंबई में क्यों नहीं रिलीज होती है, बहुत लेट होती है? नहीं सर बॉम्बे में रिलीज लास्ट टाइम भी हुई थी, इस बार भी हुई है. बट जो जहाँ पे हमारा ये फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री का जो सेंटर है जिसको माना जाता है, जैसे अंधेरी बैंड्रा ये जोन जो है,
उस जोन में नहीं रिलीज होती, सो फोकस नहीं आता फिल्म पे कि अच्छा ये फिल्म रिलीज हुई नहीं हुई मालूम नहीं। देर आर सर्टन पॉकेट्स जहां पे ट्रेडिशनली माना जाता है कि पंजाबीज बहुत है, जैसे सायन कुरला दैट एरिया, उस एरिया में रिलीज होती है, या मुलुंड में रिलीज होती है, ये सब एरियाज में होती है, बट नॉट इन दिस बेल्ट। तो हालांकि इस बार हमने ट्राई की कि इस बार इस बेल्ट में भी रिलीज हो जाए, बिकॉज जट एंड जूलियट का नाम काफी सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों को भी मालूम था, एंड वी वांटेड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स टू गो एंड सी इट, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो ये एग्जिबिटर्स की जो चेन है, जो सिनेमा हॉल्स की चेन है, आर डिस्ट्रीब्यूटर्स डोंट हैव इनफ पावर टू मेक देम रिलीज द फिल्म इन दिस बेल्ट, बिकॉज देर आर बिग हिंदी फिल्म कमिंग इन, तो हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं, उनको शोज मिलते हैं, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट जो आपके साथ हिंदी फिल्म रिलीज हुई घनचक्कर, उसको तो आपने पीछे छोड़ दिया पंजाब में। हाँ, बट दैट्स ओनली इन पंजाब, माइल्स एंड माइल्स से, दैट्स ओनली इन पंजाब। क्यों ऑस्ट्रेलिया च? गॉड हैज बीन काइंड दैट वे, दैट लास्ट टाइम अराउंड आल्सो दिस हैपेंड, ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ता है। या ऑस्ट्रेलिया आल्सो वी हैव डन रियली वेल, वी आर आई थिंक वी आर द सेकंड बिगेस्ट ओपनर ऑफ द ईयर in Australia, behind only ये जवानी है दीवानी। Wow, that's a huge achievement. Yeah, achievement हुई। Hopefully next time around शायद हम ये belt में भी release कर पाएं। I hope so, and I think a lot of Punjabi viewers would hope so. Yeah, let's hope. Let's hope. Fingers crossed. Thank you so much for being on the show. Shukriya, and may you grow, grow from glory to glory. Thank you, sir. Thank you. तो दोस्तों, ये थे दिलजीत दोसांझ और अनुराग सिंह। इनकी फिल्म जट एंड जूलियट 2 धूम मचा रही है। पहला वीकेंड पंजाब और दिल्ली में आई थिंक इट टोटल अप्रोक्सीमेटली 4 crore and 30 lakh, एम आई राइट? Yeah, I think it's 477. Oh, I'm sorry. 4 crore and 77 lakh first weekend. अच्छी अच्छी हिंदी फिल्मों का भी नहीं होता है इस बजट में बनी फिल्मों का, and you can assess from that कि कितनी बड़ी हिट होने जा रही है जट एंड जूलियट 2। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।